मध्य प्रदेश के महा उपचुनाव में सत्ता का संघर्ष लगातार जारी है और जारी है स्वदेश न्यूज का ये सफर भी। हम आ पहुंचे हैं इंदौर जिले की सावेर विधानसभा सीट पर। ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तुलसी सिलावट और कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू मैदान में खड़े हैं। तो क्या जानती है सावेर की जनता दोनों के बारे में और क्या कुछ फैसला अब सावेर की जनता करेगी, इस बारे में कुछ नब सटोलने की कोशिश करेंगे और लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या रहेंगे और किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। ठीक पीछे देख रहे हैं और ये पेड़ है इमली का। ये काफी पुराना पेड़ है और इस पेड़ के नाम पर इस चौराहे का नाम इमली चौराहा पड़ा है। इंदौर महानगर में सावेर तहसील एक पुरानी तहसील है और आप देख सकते हैं एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पर ज्यादातर लोग जो हैं कृषि से जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी जरूरतें हैं और इस चौराहे पर आके उनकी जरूरतें पूरी होती हैं और हम इसी चौराहे से कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ये चौराहा बीजेपी की तरफ जाता है या फिर कांग्रेस को फतेह की तरफ लेकर जाता है। लोगों से चर्चा करने की कोशिश करते हैं आखिर उनके मन में क्या है। भैया क्या कर रहे हैं आप? सर जी बस धंधा कर रहे हैं हमारा बैठ के। सिंगाड़े कहाँ से लेकर आते हैं? बड़े काले काले सिंगाड़े आपके कहाँ से आते हैं? सर जी इंदौर से लाते हैं। इंदौर से लाते हैं जी। आप ये सावेर के रहने वाले हैं? जी सर जी। तो इस बार आपको पता है उपचुनाव हो रहा है, कौन खड़ा है उम्मीदवार? उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से गुड्डू भैया है, बीजेपी से तुलसी भैया है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको इस बार? तुलसी भैया का। तुलसी भैया का क्यों? वो वैसे भी पहला जीते हुए हैं सावेर तहसील से, तो जीते हुए व्यक्ति का ज्यादा चांस बनता है सर। जीते को फिर जिताएंगे आप, मतलब आपका ये जो सिंगाड़ा है आप तुलसी जी को खिलाएंगे? चलिए ठीक है। काफ़ी देखिए छोटे छोटे कस्बों में इतने अच्छे जो लोग होते हैं वो अपनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं। मेहनतकश लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहनतकश व्यक्ति मौजूद हैं, इस समय जूते चमका रहे हैं। चुनाव में किसकी किस्मत चमकाएंगे आप? सर ये तो समय बताएगा, जो भी अच्छा काम करेगा वो आ ही जाएगा। मैं तो आपसे जब बात कर रहा था मुझे लगा कि आप सीधे सीधे जवाब देंगे, बड़ा आप तो डिप्लोमेटिक है, बिल्कुल राजनीतिक स्टाइल में बयान दे रहे हैं भैया। समय बताएगा बिल्कुल। अरे आपका आप किसका समय चमकाने वाले हैं? सर वो तो जनता ही बता देगी ना सर। आप भी तो जनता हैं। अरे सर वो तो ठीक है, मगर वो समय पे सब काम होता है, वो तो है ना। दोनों अभी तो दोनों ही अच्छे चल रहे हैं, दोनों काम भी अच्छे करवा रहे हैं, है ना। ये तो आप समय आने पर सब मालूम पड़ जाएगा। समय आने पर मालूम पड़ जाएगा। देखिए ये जनता जनार्दन है तो अभी इन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले और ये साफ तौर पर देखिए इनकी रहस्यमय मुस्कान आप देख सकते हैं। देखिए कितने मुस्कुराते हुए ये बता रहे अपनी बात को। लोगों के जूते चमकाते हैं लेकिन किसकी किस्मत ये चमकाएंगे ये कह रहे हैं कि वोटिंग के वक्त ही पता चलेगा। तो सब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस उपचुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। लेकिन हम ये बात महसूस कर पा रहे हैं कि सावेर की जनता बहुत ही जैसे कहे संतोषी प्रवृत्ति की है। बहुत ज़्यादा हमें ख्वाहिश यहाँ पर लोगों की नज़र आ नहीं रही है। आपसे जानना चाहेंगे साहब ये क्या बात है, आप तो बढ़िया एकदम ये चीज़ों को रिपेयर कर देते हैं, एकदम पुरानी चीज़ों को ठीक कर देते हैं। इस बार चुनाव में किसे ठीक करने वाले हैं? वो जो जहाँ कार्य करेगा, अच्छा कार्य करे उसको ठीक करना, और क्या। हाँ सावेर का जो विकास करे, सावेर 25 साल से कोई विकास ही नहीं कर रहे हैं, सब विधायक आज के चले जाते हैं। तो सड़कें भी खुदी पड़ी हैं और बहुत ज़्यादा कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अभी चल रहा है काम तो अभी है। हाँ अब शुरुआत हो रही है काम की, अब देखो आगे क्या परिणाम रहता है, कितना बने। इसे लगता है कि आप अपना जो है यहाँ पर विधायक चुनेंगे क्योंकि बाय इलेक्शन हो रहा है? यार इतना तो अभी क्लियर तो नहीं बता सकते अपन, क्योंकि बताएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। लेकिन जोर किसका, आप किस आधार पर वोट करेंगे? क्या दोनों को बराबर है? दोनों को बराबर ही है अभी फिलहाल में। हाँ दोनों को बराबर ही है। दो बटन थोड़ी दबाएंगे आप? नहीं दो बटन तो नहीं दबाएंगे, दबाएंगे तो एक, बाकी आपको बता नहीं सकते ना हम किसको बटन वोट देंगे। अगर दे देंगे तो जो देखेगा वो कहेगा यार ये मेरे खिलाफ बोल रहा है कि नहीं। हाँ ऐसा है।
कहीं ना कहीं सियासत में जो है थोड़ा डर भी लगता है। दोनों रसूखदार जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, किसी को क्लियर तो बता नहीं सकते कि हम इसको जिताएंगे ना इसको हराएंगे। वैसे टक्कर बराबर की जे टक्कर बराबर की है, और बराबर की टक्कर में कौन आगे निकलता है कौन पीछे निकलता है। सांवेर के और भी कई इलाकों में हम लोगों से चर्चा करेंगे और उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करेंगे और किसका पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। चलिए चलते हमारा सफर। विधानसभा में है इस वक्त स्वदेश न्यूज की टीम, और आपको बता दें कि सांवेर जो है वो अमेरिकन कॉर्न की खेती के लिए भी अच्छा खासा पहचान बना चुका है। आप मेरे ठीक पीछे जो खेत देख रहे हैं यहाँ पर अमेरिकन कॉर्न यानी कि अमेरिकन भुट्टो की खेती होती है। इस भुट्टे के लजीज स्वाद का आनंद लेने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये भुट्टे और भी कई जगह पहुँचाए जाते हैं, और आपको बता दें कि बहुत ही खिले खिले ये देख सकते हैं कि किस कदर इनके दाने जो होते हैं वो काफ़ी चमकदार होते हैं, और ये देसी भुट्टों से काफ़ी अलग होते हैं। इन भुट्टों को बाकायदा यहाँ पर सेका भी जाता है। आप देख सकते हैं कि कोयले की आँच में यहाँ पर ये भुट्टे सेके जा रहे हैं, और इसकी खुशबू तो भले ही आप महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि काफ़ी इसकी जो खुशबू यहाँ से निकल रही है ये सोनी सोनी खुशबू रहती है, जो बहुत ही आकर्षित करती है। आप देख सकते हैं कि चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों सभी इसका आनंद लेते नज़र आते हैं। सड़क किनारे इस तरह के भुट्टे की जो छोटी छोटी जो दुकानें हैं वो कतार बना के रखी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी जो हैं वो इस चुनाव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये जो दाने जो चमकदार दिख रहे हैं इस वक्त किसका राजनीतिक करियर ज़्यादा चमकदार आपको दिख रहा है, कौन जीतेगा आपके सांवेर से? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्यों आएगी, आप क्यों चाहते हैं बीजेपी आए? तो अच्छा है, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अभी कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, तो आपको पसंद नहीं आई क्या? वो तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने धीरे से बोल दिया कि भैया बीजेपी की सरकार रहेगी। एक भैया जो है बिल्कुल भुट्टा सेक रहे हैं। भैया क्या क्या कितने का मिलता है ये भुट्टा? ये 20 रुपए का। बड़ा महंगा नहीं दे रहे? सही, फिक्स रेट है इसका। फिक्स रेट है। जो देसी भुट्टा है उससे ये अमेरिकन भुट्टा अलग कैसे रहता है? ये मीठा रहता है ज्यादा खाने में। अच्छा। हाँ सर, बच्चों को ज्यादा पसंद है? हाँ, बच्चों को ज्यादा पसंद है, बहुत पसंद है। अच्छा, फेमस है ये। ये जो देसी भुट्टा रहता है उसमें और इसमें कोई इसमें प्रोटीन या जिसे क्या कहते हैं कि कौन ज्यादा बेहतर रहता है? मतलब खाने में यही पसंद करते हैं ना सब, मीठा है ना इसीलिए। हाँ, मीठा है, कम लगता है। अच्छा अच्छा, वो वाली बात तो जरा मीठी मीठी बातें आप थोड़ा बताइए ना कि किसको इस बार चुनाव में आप अपने मुस्कुराहट के साथ मीठापन देने वाले? बताया सही भैया ने, वो क्या भैया जिसे देंगे उसे आप दे देंगे? बोल दो यार। हाँ ठीक है, वो क्या उन्हीं की लहर चल रही है अभी तो। बीजेपी बीजेपी से कौन उम्मीदवार है? तुलसी सिलावट है ना? तुलसी सिलावट यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया मोबाइल पर ये गाने चलते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे शहरों में इस तरह की बातें बड़ी अच्छी देखने को लगती है। ये गाने सुन रहे हैं, भुट्टे सिक रहे हैं और लोग भुट्टों का आनंद ले रहे हैं। हम भी इन भुट्टों का आनंद लेंगे, और एक ले रहे हैं भैया ना यहाँ पे, भैया जरा 20 रुपये दे दीजिए ना इनको, है ना। इन भुट्टों के आनंद के साथ में हम जानने की कोशिश और करते रहेंगे कि आकर ये सियासी जो भुट्टा जो है वो किस और सिकता नज़र आ रहा है, और इसकी जो मिठास है वो भाजपा को ज़्यादा मीठी लगेगी या कांग्रेस को, ये हम और चर्चा करते रहेंगे। सांवेर विधानसभा में इस समय हम स्वदेश न्यूज़ की टीम और कोशिश करें जानने की आखिर नब्ज किसकी और है और किसका पलड़ा भारी है। सभा के कटकिया गांव में समय मौजूद हैं, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सांवेर किसे बनाएगा अपना सिरमौर। ग्रामीण क्षेत्र है ये, और हम अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से यानी कि गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उनके मुद्दे क्या होंगे और किस आधार पर वोट करेंगे। आप बताइए भाई, आप इस गाँव के रहने वाले हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, किस आधार पर आप वोट करेंगे? अभी तो जो वर्तमान परिस्थिति है मध्य प्रदेश की, यहाँ किसानों के कर्ज माफी के नाम पे कांग्रेस की सरकार बनी थी,
कर्ज माफी 2 लाख का जो वादा करा था कांग्रेस ने, वो वादा पूरा हुआ नहीं। इस कारण ये पूरा जो घटनाक्रम है आप सब भी जानते हैं, प्रदेश के लोग मतदाता भी जानते हैं कि क्यों इस्तीफा हुआ। और कांग्रेस पे एक बार 15 साल बाद लोगों ने विश्वास जताया था, अब कांग्रेस अपने वादे पे या जो भी पूरा नहीं कर पाई, तो अब कांग्रेस के प्रति मतदाताओं में अविश्वास पैदा हो गया है। अब दोबारा विश्वास करने की स्थिति में सांवेर विधानसभा के लोग तो मैं समझता हूँ कि नहीं है। कर्ज माफी, आपको लगता है कि कर्ज माफी नहीं हुई है, इसकी वजह से लोगों में नाराजगी है। आप भी इस गांव, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम सब मुंडला हुसैन के रहने वाले। ये सांवेर विधानसभा में आते हैं? सांवेर विधानसभा। तो आपको मालूम ही है कि आपके यहाँ पर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव होने जा रहा है, आप किस आधार पर अपना वोट देंगे? आप इस विधानसभा के वोटर हैं, आपके लिए क्या प्रमुख मुद्दा है? यही मुद्दा है सर, 2 लाख रुपए कर्ज माफी की वो दी थी, 10 रोज में कर्ज माफी करेंगे और उन्होंने माफ नहीं किया। अच्छा, कर्ज माफी नहीं है, उसके लेकर नाराजगी है आपको। अच्छा, आप बताइए कि एक तरफ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया की जोड़ी है, कौन सी जोड़ी आपको ज्यादा पसंद है? कमल की है। कर्ज माफी नहीं करी होगी, कहीं कर्ज माफी नहीं की गई है, इसको लेकर काफी यहाँ पे नाराजगी, ग्रामीण क्षेत्र है ये और कहीं ना कहीं कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी भी मुखर होकर पूछ रही है कि 10 दिन में कर्ज माफी की बात कही गई थी, वो कर्ज माफी आखिर क्यों नहीं की गई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो क्षेत्र है ग्रामीण है और यहाँ पर लोग दोपहर में नीम के पेड़ की छाया में बैठते हैं और चर्चा करते हैं। इसी चर्चा के जरिए हमने जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश किस महा उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी है। जहां तक अब सांवेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में कर्ज माफी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से वायदा किया गया था जो कि नहीं हो पाई, उसको लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अगर थोड़े से हम कस्बाई क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर भी लोग मुखर हैं, विकास को लेकर भी लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आखिर विकास भी होना चाहिए। तो तमाम ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग यहाँ पर अपना वोटिंग पैटर्न यानी कि अपना वोट को करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे कांटे का मुकाबला जरूर है, लेकिन चूंकि ये बड़ा जो इलाका है वो कृषि प्रधान है, यहाँ पर अगर कर्ज माफी अगर मुद्दा रही तो कांग्रेस के लिए यहाँ पर दिक्कत का विषय हो सकता है। हमारा ये सफर लगातार जारी रहेगा और मध्य प्रदेश की तमाम उन सीटों पर जहाँ पर महा उपचुनाव होना है उन सीटों पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दोस्त आशुतोष और मेरे साथी सुजीत लांजेवार लगातार देते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।